साउथ अभिनेता प्रभास उन अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है। साउथ मेगा स्टार प्रभास ने अपनी फिल्म बाहुबली से दुनिया भर में काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है। इस फिल्म के बाद प्रभास के चाहने वालों की संख्या करोड़ों में हो चुकी है, जिससे उनके फैंस उनकी आने वाली फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। फिलहाल प्रभास अपनी अपकमिंग मूवी राधे श्याम को लेकर काफी ज्यादा चर्चित हैं और उनके फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन प्रभास अपने फैंस के बीच जितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चे में बने रहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चे में बने रहते हैं। इसलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रभास के रियल लाइफ फैमिली और वाइफ से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस फेवरेट अभिनेता के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस, अब आपकी इजाज़त के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रभास के नाम से प्रसिद्धि हासिल करने वाले अभिनेता का पूरा नाम वेंकटा सूर्यनारायण प्रभास है, जिनका जन्म 23 नवंबर 1979 तमिलनाडु के एक हिंदू परिवार में हुआ। प्रभास अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। बड़े भाई का नाम प्रबोध है और बहन का नाम प्रगति है। पिता का नाम सूर्यनारायण राजू है, जो प्रोफेशन से एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। माता का नाम शिवा कुमारी, जो हाउसवाइफ के तौर पर घर को संभालती हैं। आपको बता दें, प्रभास ने अपनी शुरुआती पढ़ाई DNR भीमराव स्कूल से पूरी की और आगे की बीटेक की डिग्री हैदराबाद के कॉलेज श्री चेतन से हासिल की। प्रभास ने साल 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इसके जरिए प्रभास को कोई खास पहचान नहीं मिली। हालांकि इसके बाद साल 2004 में आई फिल्म वर्षम में प्रभास को हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके बाद प्रभास ने कई और फिल्मों में काम किया, जिसमें पौर्णमी, योगी, मुन्ना, बिल्ला, एक निरंजन और रिबेल जैसी कई फिल्में की। इसमें से कई फिल्में हिट भी रही। वैसे तो प्रभास ने अपने करियर में कई हिट और सफल फिल्में दी हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्त प्रसिद्धि हासिल हुई SS राजामौली की फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 से। राजामौली के इस ग्रैंड प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रभास ने ना जाने कितनी फिल्मों के ऑफर छोड़े। उनकी जगह कोई और एक्टर होता तो शायद इतना लंबा वक्त किसी और फिल्म को ना दे पाता, लेकिन प्रभास ने अपने करियर के 5 साल इस फिल्म को दिए और इस दौरान उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया। इसे लेकर प्रभास ने एक बार कहा था कि राजामौली और उनकी बाहुबली के लिए वो 5 साल तो क्या 7 साल भी दे सकते थे। आपको प्रभास की रियल लाइफ पार्टनर के बारे में बताने से पहले आपको उनके बारे में एक दिल छू देने वाली बात बताते हैं। एक बार प्रभास ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मुझे मेरे फैंस से एक गुजारिश है, जो लोग दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं वो जब भी मेरी फिल्म रिलीज होती है या पोस्टर रिलीज होती है या टिकट या बैनर पर 500 या 1000 रुपये का खर्चा करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इसकी जगह एक बिरयानी पैक करवाइए और उसे अपने परिवार के साथ खाइए, मुझे बेहद खुशी मिलेगी। गाइस, आपका प्रभास की इस बात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसे में अगर हम बात करें प्रभास के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो आपको बता दें, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन अक्सर वो तेलुगु की लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली अदाकारा अनुष्का सेठी से जोड़ा जाता है। हालांकि ये दोनों सितारे एक दूसरे को महज अच्छा दोस्त बताते हैं, बावजूद इसके इनकी जोड़ी को साथ देखने वाले फैंस सुपर एक्साइटेड होते हैं। मगर हाल ही में एक ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिसे प्रभास और अनुष्का सेठी को साथ देखने वाले फैंस को झटका लगने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास अब जल्द ही शादी करने की प्लानिंग में है, मगर अनुष्का सेठी से नहीं बल्कि उनकी दुल्हन या कोई NRI होने वाली है। टॉलीवुड नेट रिपोर्ट की माने तो प्रभास अमेरिका स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी के फाउंडर की बेटी संग शादी करने वाले हैं। ये एक अरेंज मैरिज होने वाली है, जिसके लिए दोनों परिवार के बीच बातचीत भी शुरू हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि खुद प्रभास ने इस रिश्ते के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद साउथ सुपरस्टार प्रभास की शादी की तैयारियों के लिए परिवार जुट चुका है। गाइस, आपको प्रभास और अनुष्का सेठी की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे और टॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।